अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जो है मैक्रोनी की रेसिपी को रेडी करेंगे। बहुत ही आसान और झटपट तरीका है जो मैं आज आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले जो मैक्रोनी को हम लोगों ने बॉईल कर लिया है और अच्छी तरह से इसको बॉईल आने देना है। फिर इसके बाद हम जो तैयार करेंगे, लहसुन ऐड कर दिया ऑयल के अंदर, एक दो मिनट इसको बस ब्राउन करेंगे। इसके बाद फिर जो है प्याज ऐड कर देंगे। लहसुन और प्याज को आप लोगों ने थोड़ा सा ही जो है इनको फ्राई करना है। इसके बाद फिर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन जो है छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था और अब इसके अंदर ऐड करके तो इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। चिकन को प्याज और लहसुन के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके बाद जो है इसके अंदर ऐड कर देनी है शिमला मिर्च और बंद गोभी। आपने अपने हसबे टेस्ट इसके अंदर ऐड करनी जितनी आपको पसंद हो। फिर आपने जो है स्पाइसेस ऐड करनी है जितनी आप लोग पसंद करते हैं, मिर्च और नमक वगैरह। 1 टेबलस्पून के हिसाब से मैंने डाली है सुरख मिर्च और 1 टेबलस्पून के हिसाब से डाला है नमक और थोड़ी सी हल्दी डाली है। इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। वन टेबल स्पून सिरका ऐड कर दिया। सोया सॉस ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून। बड़ा साइज का एक टमाटर, 3 बड़ी जो है सब्ज मिर्च ऐड करने के बाद इसको फिर भुनाई करनी है इसकी। चिकन चेक कर लेना है कि वो अच्छी तरह से गल चुका है या नहीं। चिली सॉस ऐड करना है 2 टेबलस्पून। अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है और इसके बाद मैक्रोनी ऐड कर देनी है। चिकन ने जो है और सब्जियों ने जो ऑयल छोड़ दिया है, इस स्टेज पे जाके जो है मैक्रोनी को ऐड कर देना। मैक्रोनी जो है हमने जो बॉईल की थी नमक ऐड करके इसको बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल ऐड किया था ताकि जो मैक्रोनी है आपस में चिपके ना। अब इसके अंदर ऐड कर देना है इसको और चम्मच चला के तो मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो केचप ऐड कर देना जितना आपको टेस्ट पसंद हो, आपने जो केचप उतना ही ऐड कर लेना है और फिर इसको डिश आउट कर देना है। बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसको डिश आउट कर देना है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार हो चुकी है। मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।